जेके मीडिया लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम ज़्यादातर खबरें पढ़ते रहते हैं कि ये बैंक लूटा गया, ये ATM लूटा गया, और ये ज़्यादातर खबरें हम कश्मीर घाटी में सुनते हैं। लेकिन जिस हिसाब से जम्मू की एक ATM है, ये जेके बैंक का ग्रेटर कैलाश में, जिस हिसाब से इसकी हालत है, उस हिसाब से हमें यही लगता है कि जल्द ही यहाँ भी कोई ना कोई हादसा हो सकता है। आप इसकी हालत देख सकते हैं, ये नेशनल हाईवे की रोड है और बिल्कुल नेशनल हाईवे की रोड से ये ATM अटैच्ड है, और आप देखिए कि रास्ता भी नहीं है ATM तक जाने का। बाहर की आप हालत देख सकते हैं किस तरह झाड़ियां हैं। कोई भी रात के समय कोई लेडी या कोई भी पैसे भी निकालने आए, सपोज़ वो पैसे निकालने आए, वो बाहर आए, उसको आराम से लूटा जा सकता है, क्योंकि कोई सिक्योरिटी यहाँ नाम की चीज़ नहीं है। हालांकि सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं, अब हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या मसला है, क्यों ये सफाई यहाँ पे बिल्कुल नहीं कराई जाती। आप देख सकते हैं किस तरह से इसकी हालत है, झाड़ियाँ किस हिसाब से हैं, और ATM बिल्कुल झाड़ियों के पीछे है। ये किसी को शायद विजिबल भी नहीं होगा जब टूरिस्ट बाहर से आते हैं अपनी गाड़ियों में, क्या इम्पैक्ट जाएगा, क्योंकि ये एक नेशनल हाईवे से अटैच्ड है ATM। चलिए अब हम आगे चलते हैं थोड़ा। आप देख सकते हैं पीछे से, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि रास्ता तो बिल्कुल नहीं आने का, नाला आप देख सकते हैं, एक नाला बन चुका है। तो एक नाला क्रॉस करके आके आपको ATM से पैसे निकलवाने हैं। मोदी जी ने डिजिटल इंडिया बना दिया है, लेकिन बैंक वालों का भी एक काम है कि जो ATM है वो सिक्योर रहे, वो सेफ रहे और वो साफ़ सुथरे रहें, उनका रास्ता हो। लेकिन ये सब कंडीशंस देख के तो हमें ऐसा कुछ नहीं लगता। यहाँ के कुछ सिक्योरिटी गार्ड है, आपका नाम क्या है? मेरा साहिल कुमार। इस आप देख सकते हैं जो कंडीशन है इसकी, आपने कभी कंप्लेन की जब भी पैसे डालने आते हैं बैंक वाले? हाँ, मैंने बहुत बारी कंप्लेन की, कोई सुनता नहीं है जहाँ पे। वैसे ट्रक आगे लग जाते हैं इधर आगे, उनको मैं बड़ी बारी बोलता हूँ कि ट्रक पीछे करो, रास्ता नहीं आगे। वो पीछे भी नहीं करते, ट्रक भी नहीं पीछे करते हैं, तो मजबूरी में लोग हमें गाड़ियाँ निकालते हैं, कहते आगे रास्ता भी नहीं है, ऊपर से ये झाड़ियाँ हो गई हैं, ATM दिखता नहीं है, कहाँ पर बनाया आपने, बंद करो इसे। लोग हमें गाड़ियाँ निकालते हैं, हम भी क्या करें, अब हमने ड्यूटी करनी है अपनी, हम भी क्या करें। कितनी देर की ड्यूटी होती है? मेरी 8 घंटे की ड्यूटी है। अच्छा, 8 घंटे बाद शिफ्ट होता है, रात के लिए कोई और है? हाँ जी, हाँ जी। तो आप खुद बताइए कि रात के लिए ATM सेफ है, कोई आना चाहेगा इधर? बिल्कुल सेफ नहीं है। बैंक वाले कहीं ना कहीं, बैंक वालों को आपको फिर से एक बार कंप्लेन करना चाहिए कि आपने फिर से? मैं करता ही रहता हूँ डेली, कभी कभी। हमेशा से ऐसे है या पहले भी कभी साफ करा? पहले थोड़ी देर पहले साफ हो गया था, फिर से हो गया जी। हाँ जी जी, फिर से हो गया। अब तो नाले के लिए मैंने बहुत बारी कंप्लेंट की, कोई सुनता नहीं है इधर। तो आप देख सकते हैं, जैसे एक बार मैं आपको ATM दिखाना चाहता हूँ, ये है जैन के बैंक का ATM, और इसकी हालत आप देख सकते हैं किस तरह इसकी हालत है, रास्ता नहीं है आगे, आप देख सकते हैं किस तरह नाला बन गया और झाड़ियाँ किस तरह बन चुकी है। कोई भी इंसान यहाँ आके पैसे क्यों विड्रॉ कराएगा? और दूसरा, यहाँ पे हमने अंदर देखा कि लाइट की भी बड़ी परेशानी है यहाँ पे। बिजली तो खैर जम्मू की अभी तक की सबसे बड़ी समस्या ही बनी है, कहीं बिजली नहीं आ रही, लेकिन एटलीस्ट ATM मशीन्स जो हैं उनको सेफ रखो, उनको साफ़ सुथरा रखो। लोगों ने आना है, पैसे विड्रॉ करने हैं, हाईवे के साथ ही ATM अटैच्ड है। टूरिस्ट आते हैं, विजिट करते हैं, कोई अच्छा इंपैक्ट नहीं जा रहा, तो जैन के बैंक वालों को एटलीस्ट इस ATM का ध्यान रखना चाहिए और जल्द से जल्द इसकी सारी सफाई करवानी चाहिए, ताकि जो टूरिस्ट हैं सब यहाँ पे आए, रात को भी सेफली आए, आराम से यहाँ पे कोई भी लूट का केस भी बन सकता है। तो हम यही जैसा ये बता रहे हैं हमारे साथ जो सिक्योरिटी गार्ड हैं साहिल कुमार जी, कि जब बारिश आती है कि यहाँ तक पानी आ जाता है, तो पहले इंसान तैरेगा या अपने कपड़े गीले करेगा, फिर आगे ATM में। यहाँ पे गाड़ी भी दो बारी गाड़ी भी फंसी है जहाँ। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कैसे सिक्योरिटी गार्ड खुद ही हमें सब कुछ बता रहा है। बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके, कुछ ऐसे ही ईमानदार सिक्योरिटी गार्ड हमें चाहिए जो बिल्कुल खुल के हमारे साथ बात करें और हमें बताएं कि किस तरह की ये कंडीशन है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आप लोग देखते रहिए JK मीडिया, मेरे साथ है बलवंत सिंह बाऊ।